हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर 7वां है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यह दोस्तों टाइप है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को दो पार्ट में बांटा गया था दोस्तों। एक पहला था डॉट प्रोडक्ट एंड दूसरा था दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए, आप सबसे पहले वह वीडियो देखिए, तब आप यह वीडियो देखिए, उससे आपको यह वीडियो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर ऑन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर। कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड उस तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और उन दोनों वेक्टर के बीच साइन थीटा का एंगल बनता है और तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये सिंपली से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों इस डिफिनेशन से हम लोग यह सीख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो पहला वेक्टर का मोड इनटू दूसरा वेक्टर का मोड और इन दोनों वेक्टर के जो एंगल बन रहा है दोस्तों, उसको हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एन कैप है दोस्तों, यह एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन हम यह बोल सकते हैं ये वाला दोस्तों। अब दोस्तों बात रह गई है कि मान लीजिए आपको वेक्टर अगर ए रहे और वेक्टर बी रहे, अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों कोई वेक्टर सी आया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो जनरल सी बात यह है दोस्तों कि सी प्रोडक्ट जो आया दोस्तों, वेक्टर सी जो आया है दोस्तों, इसमें मेनली दो चीज़ हो सकता है। ये पहला तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो दोस्तों ये वाला से फाइंड आपको हो जाएगा और इसका डायरेक्शन जो होता है दोस्तों, उसको हम सूचित करते हैं एन कैप से, जो कि परपेंडिकुलर होता है दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर होता है और इस पर भी परपेंडिकुलर होता है। जो सी है, सी का डायरेक्शन दोस्तों, सी का डायरेक्शन दोस्तों इस पर भी परपेंडिकुलर होता है और इस पर भी परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए दोस्तों यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी, सॉरी दोस्तों यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, और इसका जो डायरेक्शन होगा दोस्तों यह कैसे लगेगा? तो ये जाहिर सी बात है, यह ऐसे लग सकता है, तभी ना दोस्तों यह इस पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है और इस पर भी परपेंडिकुलर ये हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन या तो अपवर्ड में होगा या तो डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगा, क्योंकि जो जनरली सी आया दोस्तों, यह सी या तो अपवर्ड में लग रहा होगा या तो डाउनवर्ड में लग रहा होगा। इसमें बात अगर थीटा अगर इस डायरेक्शन में रहे तो आप हैंड रूल से इसे, आप डायरेक्शन में रहे तो आप जनरली इसे अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं, अगर थीटा बराबर अगर इस डायरेक्शन में लगे तो। तो चलिए दोस्तों, आपको यह डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इसका एक और सिंपल सा डिफिनेशन है दोस्तों, जो कि ये है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो आप ये वाले डिफिनीसन को स्किप करके आप ये डिफिनीसन लिखिएगा, इससे आपको ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा और इस पर आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये वाले डिफिनेशन भी दोस्तों पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। तो इफ़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज बिकम अ वेक्टर देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन दोस्तों, जो कि कह रहा है कि अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, अगर वो भी वेक्टर आए, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है दोस्तों? तो जैसे टॉर्क, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है दोस्तों? तो वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बराबर क्या हो दोस्तों? तो फोर्स गुने डिस्टेंस। तो फोर्स भी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को हम गुना करें तो भी वेक्टर क्वांटिटी आया। तो टॉर्क को हम तो बोल सकते हैं दोस्तों कि वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। और कौन एग्जाम्पल है? तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी दोस्तों आपको वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, मान लीजिए आपको वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है और थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, और आपसे पूछे पहला ये और दूसरा ये। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर आपको निकालना हुआ रहे तो आप सिंपली ए वाला फार्मूला से आपको वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकल जाएगा 5, और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी भी इसी फार्मूला से निकल जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों इसका भी जो रिजल्ट आया दोस्तों 5 आया है, और इसका भी जो रिजल्ट आया दोस्तों ये भी 5 आया है,
तो क्या इन दोनों को दोस्तों हम सेम कर सकते हैं? तो क्या हम कर सकते हैं, इफ़ आई से डैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, तो दोस्तों मैं बता दूं कि नहीं, आप यह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए दोस्तों आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आया है दोस्तों 5, और वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए आया है दोस्तों 5, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है दोस्तों। ए आपको लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ए आपको लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कैसे सेम हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और आप ये भी कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और इससे मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। तो बात अब आ गया दोस्तों कि यह अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यह कैसे लग रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सिंपली आपको हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। हैंड रूल दोस्तों यह कहता है कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और उन दोनों वेक्टर जिस पॉइंट पर मिल रहा है उस पॉइंट पर आपको जो होता है दोस्तों हैंड हैंड रखना है इस पॉइंट पर, और फिंगर को उस एंगल या उस डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर फाइंड करना हो। तो हमको वेक्टर फाइंड करना है ए से बी की ओर, तो ए से बी कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, इस वाले डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर हैंड को रखकर और फिंगर को इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, इस डायरेक्शन में, तो मेरा जो थंब होगा दोस्तों जिसको अंगूठा बोलते हैं वो कैसा आएगा दोस्तों, वो बाहर की ओर आएगा, वो बाहर की ओर निकलेगा, करने मतलब वो अपवर्ड की ओर आएगा। तो अपवर्ड की ओर आएगा तो इसी से हम लोग कहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए किस डायरेक्शन में दोस्तों, तो इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिए। और वेक्टर बी और वेक्टर ए के अगर डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को मोड़े तो मेरा अंगूठा जो होता है जिसको थंब बोलते हैं दोस्तों वो बैकवर्ड, वो अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप हैंड रूल का इस्तेमाल करके कोई सा भी फिगर में आप डायरेक्शन को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये क्या होता है दोस्तों, इसे समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपका तीन तीन ठो एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, और एक्स का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, और वाई का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, और जेड का यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। तो अब आई इंटू आई कितना होगा, जे इंटू जे कितना होगा, के इंटू के कितना होगा। तो आपको सिंपली बता दें दोस्तों कि आई इंटू आई होगा 0 0, और जे इंटू जे भी होगा दोस्तों 0, और के इंटू के होगा भी दोस्तों 0। कैसे होगा दोस्तों 0? तो आई आई दोस्तों अपने में ही कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू सब कुछ जानता है, 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री 0 होता है दोस्तों, और 0 से अगर हम इसमें गुना करें तो ये सब भी 0 कर देगा। तो सिंपली दोस्तों आई केप इंटू आई केप हो जाता है दोस्तों 0, और 0 दोस्तों ये क्या है, तो यह वेक्टर है, क्योंकि हम लोग डिफिनीशन से पढ़े हैं कि किसी भी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वो कैसा आना चाहिए दोस्तों, तो वेक्टर में ही आना चाहिए। तो आप ये वाला साइन दोस्तों याद कर ले, ये आपको देना है। तो सिंपली दोस्तों वैसे ही आपको ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा दोस्तों, ये समरी है, आप इसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात रह गया कि अपोजिट, अपोजिट करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, तो आई इंटू जे करेंगे दोस्तों के आएगा, और के इंटू जे करेंगे दोस्तों तो आई आएगा, के इंटू आई करेंगे दोस्तों जे आएगा, और इसको अगर हम अपोजिट कर दें, जे इंटू आई कर गए तो माइनस में के आएगा, इसको अपोजिट कर दे तो माइनस आई आएगा, इसको अपोजिट कर दे तो माइनस जे आएगा। ये कैसा आएगा दोस्तों, आप इसे सिंपली इसे आप याद कर ले, नहीं तो इसको मैं अब थोड़ी देर में एक शॉर्टकट मेथड भी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको ये सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आपको एक जगह पे आई लिखना है, और एक जगह पे जे लिखना है, और एक जगह पे के लिखना है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप आई इंटू जे करिएगा तो आपका आंसर के आएगा, नहीं विश्वास है तो यहाँ देखिए, आई इंटू अगर हम जे कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, के आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई इंटू जे कर रहे दोस्तों के आ रहा है, वही अगर जे इंटू के कर रहे तो आई आ रहा है, तो जे इंटू के कर रहे दोस्तों आई आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं। वैसे ही दोस्तों आप के इंटू आई करेगा तो जे आ जाएगा। तो ये तो बात रह गया दोस्तों किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। अगर अब दोस्तों बात रह गया अगर
इस डायरेक्शन में ना कर कर हम इस डायरेक्शन में अगर हम गुना करें, करने का मतलब यह है कि अगर हम जे इंटू आई करें तो आएगा दोस्तों के, लेकिन के जो आएगा वो दोस्तों माइनस में आएगा क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यह दोस्तों आपको माइनस में आएगा। तो सिंपली दोस्तों आप इस वाले मेथड का यूज करके आप आसानी से यह आप याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपके लिए एक प्रश्न लाया हूँ, तो एक प्रश्न इस पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आई फाइव आई कैप और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है टू के कैप। तो पूछ रहा है दोस्तों वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होगा और वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर क्या होगा। तो सिंपली से दोस्तों यह है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आ जाएगा दोस्तों फाइव इंटू टू, तो आ जाएगा दोस्तों टेन, और आई और के, तो आई और के है दोस्तों, तो सिंपली क्या आएगा दोस्तों जे आएगा, और अभी जे भी किस डायरेक्शन में है दोस्तों, तो माइनस वाले में डायरेक्शन में है, तो अब नेगेटिव में है तो यह माइनस जे आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेगा तो माइनस टेन जे कैप आ जाएगा। और बात रहेगा दोस्तों इसका वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए क्या जाएगा दोस्तों, तो टेन जे कैप आएगा, लेकिन ये दोस्तों पॉजिटिव में आएगा। तो आप दोस्तों मैं बता दूं कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम नहीं आया है, क्योंकि ये प्लस में आया है या माइनस में आया है। तो इसमें दोस्तों मेनली जो डायरेक्शन होता है वो डिफर ले आता है। अब सेकंड प्रश्न दोस्तों यह कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है, एंड वेक्टर सी बराबर इतना दिया हुआ है, देन फाइंड करें ये 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 ये, इतना फाइंड करना है दोस्तों। सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है तो वेक्टर ए बराबर देखिए फोर है, वेक्टर बी बराबर थ्री है, तो फोर इंटू थ्री कर दी दोस्तों ट्वेल्व, और जे और आई, तो जे और आई मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में जाना है तो सिंपली सी बात में बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के कैप हो जाएगा, तो सिंपली आपको माइनस ट्वेल्व के कैप आ जाएगा। सिंपली दोस्तों वैसे ही आपको ये वाला फाइंड कर लेना है, ये वाला फाइंड कर लेना, ये वाला फाइंड कर लेना, ये वाला और ये वाला भी फाइंड कर लेना है, आपको सिंपली दोस्तों इतना ही आंसर आएगा। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है, देन फाइंड करना है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों। इसका फाइंड करने का दोस्तों दो मेथड है। पहला वाला मेथड दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लोग उसे नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे ये वाला मेथड जो कि डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं। ये वाला मेथड से दोस्तों बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आपका रिजल्टेंट या जो भी आपका आंसर है वो तुरंत निकल आता है। तो इसमें दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आई जे और के लिख देना है ऐसे, और इधर वेक्टर ए कर देना है, इधर वेक्टर बी कर देना है, और सिंपली आप याद रखिएगा यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो आपको आई कैप यहाँ पर लिखना है, और आपको दोस्तों ये वाले को और ये वाले को एक तरह से कवर कर देना है, और फिर इसको इसमें गुना कर देना है, और इसको इसमें गुना कर देना है। तो थ्री इंटू थ्री कितना आता दोस्तों नाइन, और फोर इंटू टू कितना आता दोस्तों एट। तो अब बात रह गया यहाँ पर दोस्तों माइनस में है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और जे है तो उसके नीचे हम जे लिखेंगे। तो मैं फ़िलहाल इसे थोड़ी देर तक इरेज कर लेता हूँ, इसको ऐसे 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 मैं इरेज कर लिया हूँ। चलिए दोस्तों अब जे कैप का बात रहा, तो जे कैप में क्या करना है दोस्तों, तो आपको ये वाले और ये वाला कवर कर देना है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जे जिस रो में है और जे जिस कॉलम है उन दोनों को हम कवर कर कर बाकी जो बचा उसमें आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो दोस्तों गुना करने में क्या आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों थ्री इंटू टू तो हो जाएगा सिक्स, और फोर इंटू थ्री हो जाएगा दोस्तों ट्वेल्व, तो आप इसे सॉल्व करिएगा तो माइनस सिक्स आ जाएगा। अब रह गया पास दोस्तों के कैप, तो के कैप में भी दोस्तों ये वाला को कवर करना है और ये वाला को कवर करना है, तो रह गया दोस्तों टू इंटू टू तो हो जाएगा दोस्तों फोर, और थ्री इंटू थ्री हो जाएगा दोस्तों नाइन, तो आपको दोस्तों यहाँ से आ जाएगा माइनस फाइव, यहाँ वन हो जाएगा, तो आपको सिंपली ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इतना बराबर इतना आंसर आ गया। अब एक और प्रश्न दोस्तों यह मैं आपके लिए बनाया हूँ, जिसको आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर आपको वेक्टर ए बराबर दिया हुआ इतना, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ इतना, तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। आपको सिंपली दोस्तों ऐसे ही पहले फाइंड कर लेना है, आपका भी इतना ही आएगा। इस वाले क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, तो आपका भी दोस्तों इतना ही आ जाएगा, और इसका आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें फिर बाद में आपको मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना है ऐसे, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ। अगर आपको वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें मैं अच्छे से मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बताया हूँ। एक और प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, जिसमें आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको भी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है, जबकि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ इतना और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ इतना। बेसिकली ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसा,
तो जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया हूँ वैसा ही दोस्तों आप ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों कुछ बात रह गया स्पेशल केस में। तो पहला स्पेशल केस यह कहता है कि इफ़ द बोथ वेक्टर आर सेम इन डायरेक्शन एंड पैरेलल टू इच अदर, कह रहा है देखो यदि दो वेक्टर आपस में समानांतर हो और उन दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो, तो जो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है उसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 0। तो यह दोस्तों 0 कब आएगा, आप सिंपली ये याद रखिए कि जब थीटा बराबर अगर 0 हो तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो आएगा दोस्तों वह 0 आएगा। कैसा आएगा दोस्तों, तो साइन थीटा और थीटा का मान कितना दोस्तों 0 है, तो इसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0, तो साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों होता है 0, और 0 से अगर हम इसमें गुना करें तो ये सारा क्या कर देगा 0। तो आपका आ गया इतना बराबर इतना। अब केस सेकंड यह कहता है दोस्तों इफ़ द बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होगा दोस्तों वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड। आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तब होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और इसमें यह कहता है दोस्तों कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल तब होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो आपको सिंपली वेक्टर इंटू वेक्टर बी बराबर आप निकालिएगा दोस्तों, तो आपका भी इतना आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब दोस्तों वेक्टर ए बराबर दिया हुआ इतना, वेक्टर ए का मोड दिया हुआ दोस्तों इतना, एंड वेक्टर बी का मोड दिया हुआ दोस्तों इतना, एंड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मोड दिया हुआ दोस्तों 15, और थीटा बराबर आपको फाइंड करना है। तो आपको सिंपली पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, इतना का वैल्यू दोस्तों 15 है, इतना का वैल्यू 5 है, इतना का वैल्यू 6 है, और साइन थीटा है, और इन दोनों को गुना करें तो 30 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों थीटा का साइन थीटा का 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों के बराबर दोस्तों 1/2 ही आता है। कैसे, तो आप मान लीजिए दोस्तों साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा बराबर दोस्तों हो जाता है साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 30 अगर कर दे तो साइन 30 आ जाएगा, और यहाँ से 180 माइनस 30 करेंगे तो ये साइन 150 आ जाएगा, और जो कि इक्वल टू है साइन 30 के। तो आप याद रखिए दोस्तों कि जितना साइन 30 का वैल्यू होगा उतना ही साइन 150 का वैल्यू होगा। तो आपका यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि ए एंड बी है सच, मतलब बेसिकली आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जो कि आपका ओ ए बराबर दिया हुआ इतना एंड ओ बी बराबर दिया हुआ इतना। तो आपको वही डिटर्मिनेंट रूल लगाना है, आपको ऐसे कर देना है आई जे के, और इसको वैल्यू पुट कर देना है। आप सॉल्व करिए दोस्तों तो आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, और बेसिकली ये वाला इक्वेशन को आपको सॉल्व करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। अब दोस्तों बात रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग को पता है कि हमको इसका मोड चाहिए, मोड मतलब कि ये वाला वैल्यू चाहिए। तो सिंपली इसका मोड निकाल देंगे दोस्तों, तो मोड बराबर आ जाएगा रूट अंडर 180। अगर आपका ये मोड निकालने नहीं आ रहा है तो इसे प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, मैं मोड निकालने के लिए अच्छे से बताया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंटू रूट अंडर 180 कर देना है, जिसका आपका वैल्यू आ जाएगा 6.708 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया बेहद ही सिंपल तरीके से। एक तो और क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ इतना एंड वेक्टर बी बराबर दोस्तों दिया हुआ इतना। तो आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, तो सिंपली आपको दोस्तों पहले वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आपको निकालना है दोस्तों, और फिर क्या कर देना दोस्तों कि जो वैल्यू आएगा उसका आपको मोड निकाल देना है। तो सिंपली आपको दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मोड निकाल दीजिएगा, तो आपका भी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहे यह वीडियो सीरीज़ को। धन्यवाद।